क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आप? सफाई कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग पर और आप सबको मैं नमस्कार बनाने वाला। तो मैं आज सुबह सुबह आ चुकी हूँ छत पे वॉक करने के लिए। ऊपर से अब हमारा मौसम में भी ऐसा है कि पूरा कोहरा छाया हुआ है, पूरा कोहरा छाया हुआ है, चारों तरफ धुंध है। ये देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा है अभी यहाँ पे। तो फिलहाल अभी मैंने कुछ काम किया नहीं है, सोचा पहले वॉक कर लेते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। दीजिए, हेलो, मैं आ गई फिर से और अभी टाइम हो चुका है 9:30 और वर्मा जी भी सोए हुए हैं क्योंकि आपको तो पता है कि वो नाइट शिफ्ट चलती रहती है। और फिलहाल मैं अपने लिए बना के लाई हूँ अभी तोरी की सब्जी और मटर की रोटी। आज मैंने सोचा ये बना लेते हैं और वर्मा जी भी उठेंगे तो फिर उनके लिए भी गरम गरम रोटियाँ सेक देंगी तब तक। और तब तक अपना नाश्ता करती हूँ। पर से मौसम कोई भरोसा नहीं, बारिश होने की फिर से संभावना हो चुकी है और मैं छत पे कपड़े डालकर आई हूँ अभी। तो आज लगता है भड़भड़ाहट से आप वर्मा जी की नींद खुलने वाली है, सामने काम चल रहा है मे भी। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग, पता नहीं किस्तों में क्या काम करते हैं लोग। मैं अभी जस्ट मैं वीडियो बना रही थी, जस्ट मैंने अभी बोला ही था कि पक्का अब यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया और अब भी आप वर्मा जी की नींद खुल जाएगी। नींद खराब हो गई। मैंने आज मटर की रोटी बनाई और तोरी की सब्जी, तोरी। तो चलो इनके कुकाट वकाट से तो मुझे नहीं लग सका कि मेरी आवाज़ भी जाएगी या नहीं जाएगी। मैं अपना नाश्ता फ्रेश कर चुकी हूँ, अब वर्मा जी के लिए करते हैं तैयारी। तो सोचा थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाए, एक ब्लॉक के साथ भी शुरुआत भी हो जाएगी और दिन भी अच्छा कटेगा। फिलहाल टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है। मॉर्निंग तो हमारी कब की हो चुकी थी, ब्रेकफास्ट वगैरह भी मेरा हो चुका है, अभी टाइम हो गया लंच का। और फाइनली कपड़े तो धुल के सुखा दी डाल दिए हैं और अभी वर्मा जी कर रहे अभी कान कट गया तेरा, मुझे आना है। क्या कर रहे हो आप? सफाई कर रहे हैं। मैं तो बीमार हुई थी, मेरे साथ साथ शैडो भी बीमार हो गया था। बीमार क्या होता, उसने अपने हाथ काट दिए, इतना हाथ काट दिया कान का, कान कुत्ते से कटवा दिया, वही मेरा कमर। और अब इसकी ड्रेसिंग चल रही है फिलहाल। तो ये है हमारे पास पेट डॉग। मुझ पर दवाइयों का असर कुछ ज्यादा हो गया है, पेट डॉग बोल रही हूँ, सॉरी। तो ये है हमारे क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब जानवरों के, अगर किसी को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो इनसे कांटेक्ट करें, किसी के जानवर को। किसी को पकड़ी के मेरा शैडो है, शैडो शैडो दिखाना कान में कितने लगी, ये लगी इसकी चोट यहाँ पे, ये देखो पूरा काट रखा, घाव बना दिया ना इसने। और बनता है शेर है, बड़ा हीरो बनता है। पहले मुझे जाने दो, दरवाजा ना खुले धक्का मारता है, गेट नहीं खुलेगा धक्का मारेगा। अपने आप को सुपरमैन समझता है क्या? तेर से बात करी, इधर देख शैडो। क्या हुआ मनु, डरा रही तेरे को शैडो है? पिटाई करूंगी तेरी, मैं बुरी तरह जख्मी करके ला रखा अपने आप को। वो तो अच्छा उस दिन मैंने इसके कान पकड़ लिए, वो तो आप डेली पकड़ते हो कान इसके। एक तो काला है ना वो कान, ऊपर से नीचे साइड को है तो दिखता भी नहीं, वो ओपन घाव तो दिख जाते हैं। मेरा आदत है इसकी कान पकड़ने, तब ये पकड़ा गया। शैडो क्या हुआ, हाँ हो रही शैडो, दर्द भी हो रही शैडो, मजा आ रहा है ना, ठंडा ठंडा लग रहा है। ठंडा जा और जाना लड़ने अभी, ठंडा रब्बा। अभी तो रुक गया, रुक गया, यहाँ का छा करा नाक के अंदर घुस गया, ओवर हो गया गया, बस हो गया, बहुत ज्यादा है मेरे को खुद लग रहा हो ना शैडो, ज्यादा हो गया कुछ तो। अपनी बुआ जैसा है ना, तेरे को भी गमला फेंक दिया, गमला है वो बार बार गिरने में रहता है गमला हो। तो फिलहाल यहाँ पे वर्मा जी की चल रही है एडिटिंग, चल रही है या खाली लगे हो
चलो 12 बज चुका है, मैं करती हूँ खाने की तैयारी। आज बनाती हूँ रेस की दाल, रेस की दाल, पहाड़ी दाल। कौन कौन जानता है कमेंट करके बताना। मैंने रात को ठीक आ गई थी कि ये बनाने हैं करके, पानी भी जमा हुआ इसमें पूरा। पहले मैं इसका पानी निथार देती हूँ। तेल गर्म हो रहा है इस तरफ और अपना कार्यभार संभाल रखा अपने। ऐथे रखी हुई मेरी राखियाँ, दीदी ने बना के भेजी है हैंडमेड राखियाँ सारी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी मैं और काम में लगी हूँ, अगर मैं फिर इसमें बैठ गई तो मैं बैठे रह जाऊंगी उस काम में भी, इसलिए। चलो फिर खाना ना बनाते हैं, खाते टाइम मिलूंगी मैं आपको, खाने के लिए बुलाती हूँ फिर, खाने के टाइम पे आ जाना ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा चल रहा है लंच, शवरमा जी का तो स्टार्ट भी हो चुका है। तो चलिए लंच करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। बहुत लाग रहा है, बात कर लीजिए। हाय, टाइम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं। सोई सोई से सकल अभी पर सोई नहीं थी एक्चुअली, तबीयत ऐसी ही चल रही है थोड़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ना नींद आती है। दिन में सोने से मुझे लगता है कि अगर दिन में सो गए तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, इस चक्कर में सोई भी नहीं थी। तो फिलहाल वर्मा जी यहाँ पर एडिटिंग करते करते सो गए थे। इन्हें आ चुकी है नींद और शेडो बाहर से भटक रहा है। मैं जा रही हूँ छत पर, फिलहाल छत में तो गई हूँ, यहाँ सामने शेडो ऊपर जो ऊपर जा, तो ये कहीं लड़े ना, बस इसका डर लग रहा मुझे। ये थोड़ा ऊपर घुमाएगा तब तक मैं कपड़े हटा देती फटाफट। यहाँ बैठा हुआ है ना एक ब्लॉग वीडियो बना देते थे क्या, सुबह से अब जाके ब्लॉग मिल रहा हमारा 7 बजे। चाय नाश्ता डन, यहाँ पे चल रहा है मिस्टर वर्मा जी का अपने साले साहब से वीडियो कॉल पे वार्तालाप। तो फिलहाल टाइम भी हो चुका है 7:30 और अभी मैंने खाने की भी कुछ तैयारी नहीं की हुई है एक्चुअली। कुछ टाइम से तबीयत थोड़ा डाउन चल रही है जिसके चलते व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। फिर भी सोचा कि थोड़ा, वैसे तो डीएक्टिवेट हूँ बट ऐसे थोड़ा एक्टिव हो जाऊँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाने की मैंने सोची है तो बना रही हूँ। बस आप लोग अपना साथ में छोड़िएगा, आएंगे चाहे देर आए चाहे बस बाद में आए, इन्हीं का मुकाट आ रहा होगा पीछे से। तो फिलहाल इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग। मैं हम लोग पहुँच जाती हूँ मैं, और अभी खाने की तैयारी वगैरह करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के आने वाले नेक्स्ट व्लॉग पर, और सॉरी हाँ व्लॉग नहीं आ पाने के कारण, जो भी था वो भी सब जाते रह रहा लगता है फिर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय।